हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे आपके रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर टू यूनिट टू के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मतलब रेडियो रिसीवर जो है वो किस तरह से काम करता है, उस किस तरह से उसका ऑपरेशन चलता है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन रेडियो कम्युनिकेशन में रिसीवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये रेडियो रिसीवर है जहाँ की सिग्नल मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब क्या इलेक्ट्रो एक वेव जो ट्रांसमिट किया जाता है स्टेशन से, वो हमारे रेडियो तक पहुँचता है और वहाँ पर जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जब वो वेव रेडियो एंटीना पर फॉल करता है तो उसी दौरान वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो रेडियो वेव जो होता है करंट के फॉर्म में चेंज होता है, मतलब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो रेडियो फॉर्म में था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक अल्टरनेट करंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसी करंट में हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है इन द टर्म ऑफ म्यूजिक, इन टर्म ऑफ इमेज, इन टर्म ऑफ पिक्चर, ये सब सब उसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो बेसिकली ऑडियो सिग्नल होते हैं, और वो ऑडियो सिग्नल फाइनली जो हमें मिलता है वो एक इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन होता है, और उसी को हम सुनते हैं जो ऑडिबल होता है, और ये हम तक पहुंचने से पहले इसमें जो भी प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो आता है, उसके बाद वो करंट में चेंज होता है हमारे एंटीना पे आने के बाद, उसके बाद उसमें एक सूटेबल एक्सट्रैक्टर लगाया जाता है जो कि उस रेडियो इन्फॉर्मेशन को, जो डिजायर इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद रिसीवर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर उसमें लगे होते हैं जो एक पार्टिकुलर जो डिजायर जो रिक्वायर रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेपरेट करता है फ्रॉम ऑल द अदर सिग्नल पिक्ड अप बाय द एंटीना, एंटीना के द्वारा जो सिग्नल लिया जाता है उसमें जो ओरिजिनल सिग्नल है वहाँ उससे अलग कर दिया जाता है, और फाइनली उसमें क्या किया जाता है पावर एम्पलीफायर लगाकर उसके स्ट्रेंथ को, उसके क्वालिटी को उस इम्प्रूव किया जाता है उस पार्टिकुलर सिग्नल को, तो ये प्रोसेस होता है। और फाइनली वो डीमोडुलेशन प्रोसेस के बाद, डीमोडुलेशन प्रोसेस मैंने पहले भी बताया है डीमोडुलेशन क्या होता है, बेसिकली डीमोडुलेशन प्रोसेस होता है कि जो भी हमारे पास सिग्नल आया है उस सिग्नल में से ओरिजिनल सिग्नल को अलग करना, क्योंकि जो सिग्नल हमारे पास पहुँचता है रिसीवर एंड तक उसमें कैरियर सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों होते हैं, कैरियर सिग्नल को अलग किया जाता है बाय द यूज ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ डीमोडुलेशन। तो ये पूरा प्रक्रिया के बाद हमारा सिग्नल तैयार होता है और हमें वहाँ से एक रिक्वायर्ड और डिजायर सिग्नल मिलता है। तो ये पूरा का पूरा नोट्स भी आपका बना हुआ है, आप यहाँ से पूरा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फाइनली जो हमारे पास जो हम रेडियो यूज करते हैं उसे आज हम बोल सकते हैं अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। देखते हैं इसके टेक्निकल टर्म क्या है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का ही मैं एक अब आपको जो टेक्निकल टर्म है वो यूज बताता हूँ, उस क्या डेफिनेशन, उस क्या फंक्शन है उसे बाय लाइन में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इन रेडियो कम्युनिकेशन अ रेडियो रिसीवर नोन एज रिसीवर वायरलेस, सिंपली अ रेडियो इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव द रेडियो वेव एंड कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय देम इन यूजुअल फॉर्म, मतलब क्या इसे हम जो यूज होने लायक है उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन होते हैं। इट इज यूज विथ एंटीना एंड द एंटीना इंटरसेप्ट विद द रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कन्वर्ट देम इन टू द टाइनी अल्टरनेटिव करेंट विच इज अप्लाइड
टू द रिसीवर एंड द रिसीवर एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, जो भी रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना पे फॉल होता है, एंटीना पे गिरता है, वहाँ से उसके बाद उसे अल्टरनेट एक छोटा सा अल्टरनेट करेंट मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो डिजायर इंफॉर्मेशन है उसे रिकलेक्ट किया जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद द रिसीवर यूज इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट होने के बाद बेसिकली इसमें एक डिजायर फिल्टर भी लगाया जाता है, जो कि ये फिल्टर बेसिकली क्या करते हैं, उसके उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, उसमें जो भी अनवांटेड सिग्नल है, उसे अलग किया जाता है। साथ ही साथ डिजायर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करता है एक अनवांटेड फ्रीक्वेंसी से, अनवांटेड सिग्नल से। तो वही बातों को यहाँ पर बताया भी गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर टू सेपरेट द डिजायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम ऑल अदर सिग्नल पिक्ड अप बाय द एंटीना, और एंटीना के द्वारा दूसरे सिग्नल को हटा दिया जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर टू इंक्रीज द पावर ऑफ द यूज ऑफ सिग्नल फर्दर प्रोसेसिंग, और इस तरह से फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसे भेजा जाता है। फाइनली रिकवर डिजायर इंफॉर्मेशन, और फाइनली क्या होता है, डिजायर इंफॉर्मेशन को हम लोग मिलता है हमें विद द यूज ऑफ थ्रू द डीमोडुलेशन प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने बात किया है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक रेडियो वेव हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, और वहां से हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो है, अब ये जो है रेडियो वेव का एक जनरेशन, रेडियो वेव रेडियो का रेडियो रिसीवर आने के बाद बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इस टेक्नोलॉजी के बेस पे बहुत सारा चीज़ यूज होने लगा, बहुत सारे चीज़ का रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि वो सबसे इंपॉर्टेंट इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित जो सबसे यूजफुल जो टूल्स हमारे पास आने लगे रेडियो वेव रिसीवर आर वाइडली यूज इन द एरिया ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, सेलफोन, वायरलेस, मॉडर्न एंड अदर कॉम्पोनेंट कम्युनिकेशन, द रिमोट कंट्रोल एंड द वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम। मतलब क्या, एक रेडियो रिसीवर के फॉर्म होने के बाद इसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके इंफॉर्मेशन को उस पर मैनिपुलेट किया जाता है, उसे ट्रांसमिट किया जाता है एक पार्टिकुलर ट्रांसमीटर तक, उसे सेंड किया जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वाइडली सेलफोन टेक्नोलॉजी में, टेलीविज़न में, वायरलेस मॉडेम में, और इस तरह की चीज़ों में ये काफ़ी यूज होने लगा। और उसके बाद एक रिवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, बेसिकली रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के आने के बाद, मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। तो ये हमारा था आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेडियो रिसीवर।